नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपीटीवी मीडिया न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक चौधरी। चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिंगरौली जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बीती रात एक शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई, जहां न्यूज कवरेज करने पत्रकार अवनीश तिवारी पर डॉक्टर बालेंदु शाह ने जानलेवा हमला कर दिया, क्योंकि पत्रकार ने उनसे ये पूछ लिया कि वार्ड में एक मरीज दम तोड़ दिया है, जहां वार्ड के लोग परेशान हैं और आप यहां सो रहे हैं। पत्रकार अवनीश तिवारी द्वारा जिम्मेदारी का बोध कराते ही बालेंदु शाह चिकित्सक ने आपा खो दिया, पत्रकार पर टूट पड़ा। पत्रकार ने मारपीट करने लगा, जिससे पत्रकार की आईडी भी टूट गई, जिसे लेकर रात करीब 2 बजे से ट्रॉमा सेंटर में पत्रकार इकट्ठा होने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक दल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और पत्रकारों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। इस विषय पर मीडिया कर्मियों द्वारा कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से सवाल पूछा तो कलेक्टर ने कहा कि इस मामले पर हमारी नजर है, मैंने एडीएम को बतौर अपना प्रतिनिधि वहां पर भेजा है, मामले में तथ्यों की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अवनीश तिवारी, मैं आयसना का जिला अध्यक्ष हूं और विराट वसुंधरा अखबार का ब्यूरो भी हूं और नई ताकत का मैं एडिटर हूं, लेकिन आज रात में 2 बजे रात यहां पर एक न्यूज कर करने आया, पता चला कि एक सौ बाड़ी मानी मृत बाड़ी लगभग जो यहां पर मृतक की जो बाड़ी थी और जो बीमार लोग हैं उनके साथ पड़ी हुई है, मतलब जो मरीज है उनके साथ पड़ी थी। जब मैं आकर देखा, लोगों परिजन ने यहां पर दुखड़ा सुनाया कि डॉक्टर और नर्स की वजह से इनकी मौत हुई। मैंने पूरे मामले को लेकर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहा कि डॉक्टर साहब है कहाँ, और डॉक्टर साहब सो रहे थे कहीं नहीं। मैंने एक और आवाज़ भी लगाई, हम नहीं थे बल्कि 3-4 लोग वहाँ थे। पूरी चीज़ की रिकॉर्डिंग अपने पास पड़ी है, जिन्हें चाहिए हमसे हमारे लाइव पर नहीं ताकत न्यूज़ नेटवर्क पर लाइव पर ले सकते हैं, और पूरी लाइव है घटना पर। इसके जब उन्हें निकले तो मैं पूछा, सर आप यहाँ सो रहे हैं, ऊपर पूरा लोग मर रहे हैं, पूरे लोग तो बोल रहे हैं कि एक बोल रहे हैं कि आप कौन से पूछने वाले, डायरेक्ट हम पर हमला किए, मतलब जिस तरह हमला किए, एक मेरे जो रिपोर्टर है उस पर बंधक बनाने का प्रयास किया गया। इतना जो है एक विरोध ज्ञापन देते हैं आप, ऐसी स्थिति में सर आपको सारी चीजें संज्ञान में अभी आ गई हैं, आपको क्या लगता है सर, आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? देखिए, इसमें जो कुछ चीजें जो जिला स्तर पे तय किए जा सकते हैं, तो जिला स्तर पे इसमें जो भी प्रक्रिया पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका एक प्रशासनिक अधिकारी और एक कोई तकनीकी जो विशेषज्ञ है, मेडिकल विशेषज्ञ है, उनसे हम एक प्राथमिक पहले उनसे एक जांच करा लेंगे। इसके अतिरिक्त डेफिनेटली जो इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें व्यवस्थाओं में सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है।